प्रस्तुत कर रहा हूं और अनुपालन की जो मुद्रित प्रति है आप सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दी गई है। मेरा अनुरोध है इसे अनुमोदित करने की कृपा की जाए। अनुमति से तृतीय कार्य सूची की प्रस्तुति हेतु मैं माननीय सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार को वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18 की प्रस्तुति हेतु आमंत्रित करता हूं। अधिशत के माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकुलपति महोदय, प्रतिकुलपति महोदय, अधिशत के सभी माननीय सदस्यगण एवं कुल सचिव महोदय का मैं आज की अधिशत के 19वें अधिवेशन में स्वागत करता हूं। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं सदन में तृतीय कार्य सूची के रूप में वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18 के अनुमोदन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18 की मुद्रित प्रति आप सभी माननीय सदस्यगण को उपलब्ध करवाया जा चुका है। मैं माननीय सदस्यगण से अनुरोध करता हूं कि वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18 को अनुमोदित करने की कृपा की जाए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से वित्तीय 2017-2018 के वास्तविक आय व्यय के लेखा प्रतिवेदन की प्रस्तुति हेतु आमंत्रित करता हूं। सम्मानित माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिकुलपति महोदय, माननीय कुल सचिव महोदय एवं प्रेक्षागृह में अपनी गरिमामयी उपस्थिति के साथ सभी सम्मानित अधिशत एवं अधिशत के माननीय सदस्यगण का मैं हार्दिक अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं सदन में वित्तीय वर्ष 2017-18 के वास्तविक आय व्यय लेखा प्रतिवेदन जो सभी माननीय सदस्यगण को मुद्रित प्रति पुस्तक के रूप में उपलब्ध है, चतुर्थ कार्य सूची के रूप में आप सभी माननीय सदस्यों के समक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 के वास्तविक आय व्यय लेखा प्रतिवेदन के तहत उक्त वित्तीय वर्ष में विश्वविद्यालय को प्राप्त आय एवं व्यय की मदवा विवरणी पृष्ठांकित है। मैं माननीय सदस्यों से साग्रह निवेदन करता हूँ कि कृपया वित्तीय वर्ष 2017-18 के वास्तविक आय व्यय लेखा प्रतिवेदन को अनुमोदन प्रदान करने की कृपा की जाए। सदन में पंचम कार्य सूची के रूप में वित्तीय वर्ष 2019-2020 के वास्तविक बजट की प्रस्तुति हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आज के इस सीनेट की बैठक में मौजूद हमारे विधायक, माननीय विधायक जी, माननीय हमारे पार्षद महोदया, कई टीम, फैकल्टी ऑफ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, साथ ही साथ हमारे कई विद्वान शिक्षक, मैं सबों का आज के इस बैठक में अभिवादन करता हूं और आपके समक्ष इस बजट प्रतिवेदन को प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय कुलपति से अध्यक्ष महोदय, संसद के माननीय सदस्यगण, विश्वविद्यालय का प्रस्तावित बजट वर्ष 2019-20 राज्य सरकार के पत्र संख्या 747 दिनांक 9-10-18 एवं पत्र संख्या 1875 दिनांक 12-10-2018 से प्राप्त निर्देशों के आलोक में तथा राज्य सरकार के बजट प्रेषण के साथ संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्रों के दृष्टिपथ में रखते हुए तैयार किया गया है। राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में बजट का स्वरूप निम्न है। माननीय, इस कलर का बजट प्रतिवेदन है, आप कृपया से देखना चाहेंगे।
प्रस्तावित बजट प्रकलन में स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत स्नातकोत्तर विभागों, अंगीभूत महाविद्यालयों, स्नातकोत्तर पश्चिमी परिषद सहित के शिक्षकों, कर्मचारियों, विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों एवं शिक्षक कर्मचारियों के वेतन की राशि का प्रावधान किया गया है। सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मियों के लिए प्रश्नगत अवधि में चालू वेतन एवं अनुमान्य भत्ता आदि की गणना बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 35(1) एवं (2) के परंतु के अंतर्गत समय समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान में तथा पदों पर की गई है। वर्तमान में देय पुनरीक्षित वेतनमान में शिक्षकों के वेतन का निर्धारण विभागीय पत्रांक 1044 दिनांक 7/8/89, पत्रांक 1300 दिनांक 20/7/2001, पत्रांक 8/6/8 दिनांक 10/5/5, पत्रांक 8/6/9 दिनांक 16/5/5 एवं पत्रांक 11/18 दिनांक 28/9/5, संकल्प 2374 दिनांक 29/7/10 तथा संकल्प 2441 दिनांक 6/8/10 द्वारा स्वीकृत वेतनादि के आधार पर कार्यरत शिक्षक कर्मियों बिहार लोक सेवा आयोग से 2016 एवं 2017 में विभिन्न विषयों के अनुशंसित शिक्षकों के लिए वेतन आदि एवं सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मियों के लिए पेंशन आदि तथा शिक्षकेतर कर्मियों के मामले में संकल्प 8/4/1 दिनांक 13/4/91, संकल्प 1/9/7/2 दिनांक 12/10/2004, संकल्प 1/0/7/4 दिनांक 17/6/5, संकल्प 4/4/6 दिनांक 22/3/6, संकल्प 8/9/8 दिनांक 7/6/7 तथा पत्रांक 1/1/3/9 दिनांक 18/6/14, पत्रांक 1/1/6/3 दिनांक 20/6/14, पत्रांक 11/92 दिनांक 23/6/14, पत्रांक 12/13 दिनांक 7/6/2014, पत्रांक BSU 41/2013-229 दिनांक 4/3/2014 के आलोक में ACP एवं MACP का लाभ देते हुए संकल्प 2/6/9/3 दिनांक 27/8/10 तथा पत्रांक 3/3/5/8 दिनांक 2/11/10 के द्वारा स्वीकृत वेतनमानों के आधार पर मानकर आधार मानकर बजट तैयार किया गया तथा सारी गणनाएँ की गई हैं। इसमें कुल मद 21 है, अलग अलग मद में वर्णित है, श्रीमान पढ़ना चाहेंगे। मैं उन तमाम बिंदुओं को आमदनी और खर्च का जो कुल विवरणी है उस विवरणी में इस प्रकार 7,63,70,32,253 रुपये घाटे का बजट प्रावधान करते हुए राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग बिहार से राशि की मांग की गई है। बंधु, इसमें जो सूची है वो तमाम सूचियाँ पृष्ठ संख्या 4 और 5 पर संकलित हैं, जिसकी विवरणी मैंने पढ़ी है। मैं सदन से विनम्रतापूर्वक आग्रह करूँगा कि माननीय अध्यक्ष जी का भाषण महज 20 मिनट हुआ था, धन्यवाद ज्ञापन 1 घंटा 30 मिनट हुआ, बहस जारी है। अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार और भी प्रश्न आएंगे, बजट में कुछ खामियां भी दर्शाई गई जो माननीय अध्यक्ष जी ने दर्शाया भी है और हम लोगों ने उसे संकलित किया है। हम सदन से विनम्रतापूर्वक आग्रह करेंगे कि बजट को पारित किया जाए और उसमें जो भी कमी है उसको हम लोग संकलित करके हम लोग उसमें जरूर उसको सुधार करके ही सरकार को हम लोग भेजेंगे। इसलिए मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ कि इसे अनुमोदित किया जाए। आई कि नहीं आई, नहीं आई तो फिर एरियर के मध्य में उनका कहीं चर्चा नहीं है। हम माननीय अध्यक्ष से आग्रह करेंगे कि उन शिक्षकों जो निर्मूल शिक्षक है उनके एरियर का चर्चा उसमें दिया जाए। जी, भुगतान उसको ही कर लिया जाएगा। इसके बावजूद 1/6 के बाद आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति बनी कि बजट में वो प्रावधान नहीं हुआ PhD इंक्रीमेंट का? क्या अध्यक्ष आश्वस्त करते हैं? बजट ऑफिसर SK प्रधान साहब थे,
तो वो करके दे दिए हैं, जाने के पहले वो चले गए कोर्स करने के लिए, और अब भुगतान उसका हो जाएगा। ऑलरेडी उस पर जो है सारा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जैसा इन्होंने पहले भी कहा था कि उसको जो है पीएचडी इंक्रीमेंट नया प्रमोशन जो हुआ उसमें नहीं जोड़ा गया। अभी तो इतना हेस्ट में हो रहा है, प्रमोशन हुआ, बजट जाना है, तो उसको हम जोड़ देंगे। और इसको जो कह रहे हैं इसका पे डिसीजन ऑलरेडी कर लिया गया, उसको हम मेरे पास लेके आए थे, कल ही आए थे, एक मल्लिक साहब है, एक एस के पदार साहब, इन लोगों ने पीएचडी इंक्रीमेंट में कितना पैसा खर्च होगा, क्या होगा, सारे का संकलन ही लोग कर चुके हैं। और हमको लगता है अति शीघ्र बहुत को भुगतान हुआ भी है और बहुत को भुगतान भी बाकी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जाएगा इसको हम कर लेंगे, कोई आपत्ति नहीं है सर, लेकिन कुछ बातें होती है कुलपति महोदय। पिछले बैठक में, सीनेट की बैठक में हमने आपको कहा था कि सर आप देखने से ही अच्छे लगते हैं, आप देखने से ही बिल्कुल निश्चित है, सत्य बात है सर कि आपका फेस अपीयरिंग है, लगता है कि आप कुछ करने वाले हैं, कुछ अच्छे करने वाले हैं, कुछ बड़े लोगों का जो एक फेस अपीयरेंस होता है सर वो आपका। लेकिन आपके विश्वविद्यालय में आप सबकी सुरक्षा करते हैं सर, हम लोग दिन रात विश्वविद्यालय में घूमते रहते हैं, कभी यहाँ बैठते हैं, कभी चाय की दुकान में बैठते हैं, कभी वहाँ बैठते हैं। ये पीएचडी इंक्रीमेंट जोड़ने की बात सरकार की चिट्ठी आई मई 2018 में, माननीय एफ ए साहब ने निर्देश दिया जून 2018 में, ये फरवरी 2019 का आपका बजट हो रहा है। इसके पोदार या मल्लिक साहब, एक मल्लिक साहब जो दो तीन तीन दिन पहले मल्लिक साहब को आपने चिट्ठी दिया, वो आके दो घंटा एक घंटा बैठ के देख के गए हैं। लेकिन हम लोग इस दिशा में लगे रहे सर, आपके जो वित्त क्या करते फाइनेंस ऑफिसर हैं, बहुत अद्भुत योद्धा को आपने रखा है वहां, सब जाके हम लोग शून्य हो जाते हैं, शून्य पूरा आउट हो जाते हैं सर। इसका निराकरण क्या होगा, इतने भारी योद्धा हैं सर कि हम लोग कुछ कहने की स्थिति में नहीं रहते, उनके सामने में हिम्मत नहीं होती है कि उनको जाके कुछ पूछे। ये तो अद्भुत बात है सर, इसका निराकरण क्या होगा, बजट तो पास है, बजट आपका पास है, आप जोड़िए, आपसे कह दिया कि हम जोड़ दिया जाएगा और कल से परसों तक उसको जोड़िए, या जो समय निर्धारित करिए उसमें आप सर जोड़िए, जोड़वा लीजिए। लेकिन सर ये सरकार की चिट्ठी, सरकार का आदेश 9 महीना से है, और विश्वविद्यालय आपका वित्त विभाग, आप जिस महापुरुष को वहां रखे हैं, बहुत बड़े भारी गणित के विद्वान है, एक्ट स्टेट्यूट के विद्वान है, और अभी आपने सिन्हा कमीशन का भी उनको एक्सपर्ट बनाया, बहुत सारी शिकायत के बावजूद आपने कमिटी बनाया, उसमें उनके लीडरशिप में और बहुत सारे सदस्य दस्तखत नहीं हुआ, फिर भी हो रहा है, अलग से वो अकेले काफी है सब कुछ करने के लिए, आपका आशीर्वाद है। तो सर वित्त पदाधिकारी यदि हमको बैठने के लिए नहीं कहे, हमको डांटे, हमको कहे निकल जाइए, तो हम लोग क्या करें सर, बता दीजिए उसका कोई इलाज बता दीजिए कि हम लोग वही करें। क्योंकि अपनी ओर से यदि हम लोग कुछ करेंगे तो आपको सबको बुरा लगेगा कि ये अच्छा नहीं हो रहा। तो इसका भी सर आपसे मैं चाहूंगा कि आप बताइए कि वित्त पदाधिकारी के साथ यदि आइंदे कल से फिर कोई बात हो, यदि वो हमको डांट के निकाले, हमारे शिक्षक संघ के अध्यक्ष को डांट के निकाले, हमारे सामने में किसी की हैसियत नहीं होती है, बहुत आदमी प्रेम से जाते हैं, बहुत आदमी का अपना स्टाइल होता है, हम लोग का तो स्टाइल सीधा सीधी है सर, आपके भी नजदीक आते हैं, कुछ किसी काम के लिए आग्रह करते हैं, और आपके नजदीक आते आते शिथिल भी हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत ही पॉजिटिव शिक्षक हित में, विश्वविद्यालय के हित में है, लेकिन आपके और समय समय पर आप ऐसे ही पदाधिकारी को कुछ कुछ को बना के रखते हैं, प्लस माइनस सर बहुत सारी बातें हैं जो आपसे आग्रह हम लोग करते हैं, आपसे आग्रह के लिए ही नरेश बाबू ने कहा, चूंकि अब हमको लगता है हमको इसलिए सर हम बोलने लगे, नहीं भी बोलते कि प्रतिकुलपति महोदय बजट का